इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 10 वर्षों से लगातार निर्विरोध बार एसोसिएशन राजस्व परिषद के प्रेसिडेंट रहे हर्ष नारायण शर्मा ने इस बार 2023 के चुनाव में फिर से अपनी दावेदारी की है। ऐसे में उनका क्या मुद्दा होगा और किस तरह से वो युवाओं के लिए काम करेंगे, इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना था, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में खास बातचीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। हम इस समय प्रयागराज में ऐसी शख्सियत से आज बात करेंगे जो पिछले 10 साल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी निर्विरोध। जी हाँ, हम बात करेंगे हर्ष नारायण शर्मा जी से। वो जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं और सबसे बड़ी वजह है कि निर्विरोध चुने जाते हैं, क्या ऐसी खास वजह है और उनको लोग क्यों पसंद करते हैं, हम उनसे ही आज जानेंगे। आज हमारे साथ हैं हर्ष नारायण शर्मा जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में। आप पिछले 10 साल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उसके पीछे क्या ऐसी खास वजह है कि लोग आपको निर्विरोध चुनते हैं? इसके पीछे जो लोग हैं वहाँ पर कार्य कर रहे हैं अधिवक्ता, उनका स्नेह है और कुछ भी नहीं हम कह सकते, उनका स्नेह है, उनका आदर भाव है, वो हमें चाहते हैं, हम उनके लिए बराबर काम करते रहते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। जैसे कि उनकी वो बीमा का है, वो भी करेंगे। हम बहुत दिनों से हम लोग कर रहे थे कि वहाँ चैम्बर मिल जाए हम लोगों को, वो एक बार तो बहुत आगे तक पहुँच चुका था, नीरा यादव जी थी उन्होंने उसको रिजेक्ट करा दिया, फिर हमने आगे से पूरा स्टेटमेंट करा करके PWD का फिर भिजवा दिया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास विचाराधीन है और इस वजह से हम समझते हैं कि हमारी बात मानी जाएगी, हमारा प्रयास सफल होगा। हमारी इच्छा है कि हम एक साल और कार्य करके अपनी इस बात को, इस कार्यक्रम को जो इतने दिनों तक हम खींच करके लाए हैं पूरा कर लें, साथ ही साथ बीमा एक हम योजना सामूहिक अपने बारे में लाना चाह रहे हैं जिसमें सब लोग सामूहिक रूप से बीमित हो जाएं और उनका जीवन सुरक्षित रहे और उनके परिवार वालों को सुरक्षा मिले। साथ ही साथ कुछ एक्सीडेंटल क्लेम होते हैं उसके बारे में एक फंड की रचना करना चाहते हैं, उस फंड की रचना से समय समय पर जिन अधिवक्ताओं को आवश्यकता हो उनको हम दे सकें, हेल्प कर सकें। इसी तरह से और कई तरह के बेटरमेंट्स हैं, प्रोग्राम जो समय पर कभी कभी डिफरेंसेस हो जाते हैं मेम्बर्स के बीच में और एडवोकेट्स के बीच में, उन डिफरेंसेस को भी हम वार्ड अप करें और उन डिफरेंसेस में हमारा सहयोग हमेशा हमको देते रहे हैं, अभी तक हमें बड़ा स्नेह मिला। जब कभी भी कोई रिफ्ट होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अगर आप प्रेसिडेंट चुने जाते हैं फिर से आपकी निर्विरोध, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या उनके लिए कुछ करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जनता तक कि जितने युवा एडवोकेट्स हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, उनके हम बहुतों के काम कर देते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कर देते हैं, उनकी बहस कर देते हैं, उनको सिखा देते हैं, उनसे कोई फीस नहीं लेते या थोड़ी बहुत जो उन्होंने फीस दे दिया उसी फीस पे कर देते हैं। ये हमारा रेगुलर पैटर्न है। आप कभी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा करके जो युवा वृंद एडवोकेट्स हैं जो हाई कोर्ट में ज़्यादा काम करते हैं वहाँ बोर्ड में रेगुलर नहीं करते हैं वो सब, एंड एवरीबडी लाइक्स मी बट फॉर वन पर्सन हु हैज़ अपोज मी बाई फाइलिंग नॉमिनेशन दिस टाइम इन अपोजिशन, बाकी तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमें करें, अब उनके दो चार लोग कोई हों तो विरोध तो करेंगे, इतना तो विरोध होता ही है, अब उस विरोध को ईश्वर चाहेगा तो विरोध खत्म होगा और हमको लोग प्यार भरे उससे वोट देने का वादा भी कर रहे हैं और वो हमें वोट मिलेगा ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी ईश्वर में आस्था है। क्या कहेंगे आपके सामने जो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और साथ में आपके समर्थक भी हैं, तो क्या इस बार किस तरह की चुनाव में प्रक्रिया होगी, किस तरह से? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, समर्थक हमारे हैं बहुत लेकिन हमारे विरोध में कुछ बहुत ही थोड़े लोग हैं, वो किस हरकत तक नीचे आएंगे ये हम उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ना हमको इसका अंदाज है। तो हम अपने समर्थकों पर आपको पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है और जो हमारे हमसे कंटेस्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ में सेक्रेटरी भी रहे, हमने उनको सेक्रेटरी के पद में बड़े मदद किया था जीतने में। तो आपके अपने ही इस बार विरोध कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कहा जाता है जो अपने होते हैं वही साथ में ऐसा करते हैं, तो क्या वो बात सही है? वो
एक नुक्ता है जो मैं अगर अर्ज कर रहे हैं आपसे ना, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो साथ रहते हैं मगर पाँव में छालों की तरह, कुछ ऐसा लगा मुझे इस बार अनुभव हुआ, कटु अनुभव हुआ। तो सुना आपने हर्ष नारायण मिश्रा जी शर्मा जी ने क्या कहा कि किस तरह से उनके साथ और पाँव के छाले का जो उन्होंने मिसाल पेश करी और साथ ही बताई, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। मगर पिछले 10 सालों से अगर कोई निर्विरोध प्रेसिडेंट चुना गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, और ये आने वाले चुनाव के बाद ही हो पाएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ में होगी। और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।